हाथरस के गांव लाडपुर में भीमराव अम्बेडकर की किसी अज्ञात व्यक्ति ने मूर्ति की उंगली तोड़ी। पुलिस मौके पर हाथरस के थाना हाथरस जंक्शन क्षेत्र के गांव लाडपुर में रात्रि के समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को किसी अराजक तत्व द्वारा क्षति पहुंचाकर उंगली तोड़ी। वहीं इस मामले में एससी वर्ग के लोग मौके पर एकत्रित हुए। वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। तत्काल प्रभाव से कोतवाली प्रभारी हाथरस जंक्शन जगदीश चंद्र गौतम ने एससी वर्ग के लोगों से वार्तालाप कर नवनिर्मित मूर्ति का स्थापना की गई और खंडित मूर्ति पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया। वहीं सीओ सिकंदरा राव ने बताया कि अभी लोगों के द्वारा तहरीर आ गई है। वहीं इस मामले में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। वहीं वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। सर ये क्या मामला था, मूर्ति वूर्ति तोड़ने का? सर आज सुबह करीब 6 बजे सूचना मिली जी, हाथरस जंक्शन थाना क्षेत्र में लाडपुर तिराहे के पास अम्बेडकर जी की मूर्ति को खंडित कर दिया गया है। तो वापस हम लोग आए वहाँ से सिकंदराव से, पता चला कि ये करीब अर्ली मॉर्निंग की घटना है, 5-6 बजे के बीच में। और फिर मौके पर आए, हमने तुरंत नई मूर्ति वापस सत्र में स्थापित कराई गई है और लोकल जो भी थे यहाँ पर प्रधान सभी लोगों ने एक तहरीर दी है। SDM साहब भी आ गए थे मौके पर, CCD साहब सब लोग थे, उनकी मांगों को देखा गया उनके द्वारा। और जो तहरीर इन अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी जाएगी उस पर एकदम आवश्यक प्रधान कार्रवाई की जाएगी। जो भी शरारती तत्व हैं